हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दौड़ने से पहले और दौड़ने के बाद क्या खाना चाहिए जिससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप सुबह के समय रनिंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए जिससे आपको रनिंग करते समय पर्याप्त एनर्जी मिलती रहे और आपका वेट कम ना हो, क्योंकि जब आप सुबह के समय सोकर उठते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और एनर्जी के लिए आपका शरीर ग्लूकोज का उपयोग करता है। और जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है और आप कोई ज़्यादा मेहनत का कार्य करते हैं तो आपके शरीर में मसल्स प्रोटीन को ब्रेक करके एनर्जी प्रदान करता है जिससे आपके शरीर का वजन घटता है। फिर उसकी रिकवरी में काफ़ी सारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इससे बचने के लिए आपको दौड़ने से पहले थोड़ी मात्रा में चना और 2 केला खा लेना चाहिए। ध्यान रहे, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भारी नहीं खाना चाहिए। आपको 2 केला जरूर खाना चाहिए क्योंकि केला कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इससे आपको दौड़ते समय एनर्जी मिलता है। साथ में आप थोड़ा काले चने भी खाना चाहिए, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थोड़ा फैट भी मिलता है। अगर आप रनिंग से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको रनिंग से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, सिर्फ थोड़ा पानी पीकर आप रनिंग कर सकते हैं। दौड़ने के बाद क्या खाएं? दौड़ने के बाद आपके शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, साथ में आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप थोड़ा काले चने खा सकते हैं और उसके साथ कोई ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट कम हो। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, पर अंडे के पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल और फैट ज़्यादा होता है, इसलिए आप 5 से 6 अंडे का सिर्फ सफ़ेद वाला भाग खा सकते हैं। सोने से पहले क्या खाना चाहिए? जब आप सोते हैं तो आपके शरीर में दिन भर शारीरिक रूप से मेहनत का कार्य करते हैं, उनके शरीर में जो मसल्स ब्रेक होते हैं उनकी रिकवरी होता है। इसके लिए आपको ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो आपको धीरे धीरे पचे और लंबे समय तक 5 से 6 घंटे तक प्रोटीन की पूर्ति करता है, जिससे आपके मसल्स की रिकवरी अच्छे से हो सके। दूध में 80% कैसीन प्रोटीन होता है। कैसीन प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, तो आपको रात में सोने से पहले दूध जरूर पीना चाहिए। साथ में अगर आपका वजन कम है तो आप 2 से 3 केला इसके साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं।